चंद्रपुर जिले में अवैध रेती की तस्करी करने के मामले बीते दिनों से लगातार प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं भद्रावती पुलिस ने अवैध रेती की तस्करी के संबंध में 9,02,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया। किस परिसर में और किस तरह पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया, आइए देखते हैं इस खबर में। बीते कुछ दिनों से चंद्रपुर जिले में अवैध रेती तस्करों पर कार्रवाई किए जाने के मामले प्रकाश में आ रहे हैं। वहीं भद्रावती तहसील के गुड़गांव से लगकर एक नाले से अवैध रेती की तस्करी करने वाले एक ट्रैक्टर पर भद्रावती पुलिस ने कार्रवाई करते हुए एक ट्रैक्टर तथा एक कार ऐसा कुल 9,02,500 रुपए का मुद्देमाल जब्त किया और इस प्रकरण में चालक के साथ तथा अन्य दो लोगों को कब्जे में लेकर उन पर भी मामला दर्ज किया गया है। 21 फरवरी बुधवार को इस नाले पर रेती तस्करी होने की गुप्त सूचना के आधार पर भद्रावती पुलिस वहां पर पहुंची और घटनास्थल पर बिना नंबर का महिंद्रा कंपनी का ट्रैक्टर अवैध तरीके से रेती भरते हुए उन्हें दिखा और इस ट्रैक्टर के पीछे स्कॉर्ट करने वाली MH 34 CD 5702 इस क्रमांक की बलेनो कार भी थी और ये दोनों भी वाहनों को जब्त कर पुलिस ने चालक के साथ अन्य दो लोगों को अपने कब्जे में लेकर उन पर मामला दर्ज किया गया है। यह कार्रवाई थानेदार विपिन इंगड़े के मार्गदर्शन में अनूप आस्टनकर, निकेश ढेंगे, जगदीश झाड़े तथा विश्वनाथ चौधरी ने की है। इस कार्रवाई से रेती तस्करों में एक बार फिर हड़कंप मच गया है। CTV के लिए हमारे प्रतिनिधि जावेद शेख की रिपोर्ट।